आज मैंने डायरेक्शन 115 के तहत नोटिस पेश करा है ऑनरेबल स्पीकर सर को, क्योंकि कल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सदन में अपनी स्पीच में बहुत सारी इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स कही हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम में किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, ये सरासर गलत है। अग्निवीर स्कीम में 1 करोड़ रुपए तक का कॉम्पनसेशन मिलता है अगर अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो। और मेरे समक्ष आप ये देखिए, ये इंडियन नेवी की वेबसाइट से निकाली हुई जानकारी है जिसमें लिखा है कि डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड ऑन बोनाफाइड ड्यूटी। वैसे तो ईश्वर करे कि हमारे सभी अग्निवीर सुरक्षित रहें, लेकिन अगर कहीं लाइन ऑफ ड्यूटी में वो शहीद हो जाते हैं तो देखिए, उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार उनको इंश्योरेंस कवर वर्थ ₹48 लाख फ्रॉम पब्लिक फंड देती है, वन टाइम एक्स ग्राशिया ₹44 लाख फ्रॉम पब्लिक फंड, फुल पेमेंट फॉर अनसर्व्ड पीरियड अप टू 4 इयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डेथ इंक्लूडिंग सेवानिधि कॉम्पोनेंट, बैलेंस अक्यूमुलेटेड एज ऑन डेट इन द इंडिविजुअल सेवानिधि फंड एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड। यानी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती, ये बात सरासर झूठ है, असत्य है। 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा उनके परिवारों को मिलता है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार MSP नहीं देती किसानों को, ये बात भी सरासर गलत है। अगर आप देखेंगे तो 19 जून 2024 को ही गवर्नमेंट ने MSP की बढ़ोतरी अनाउंस करी है 14 खरीफ क्रॉप्स में। और तीसरी बात, उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि हम किसानों को आतंकवादी मानते हैं, ये बात बिल्कुल झूठ है, असत्य है। हमारे लिए तो देश का किसान देवतुल्य है, क्योंकि वो देश का अन्नदाता है। ना भाजपा एज अ पार्टी, ना भाजपा की सरकार ने कभी भी किसी भी जेन्युइन फार्मर को आतंकवादी नहीं कहा है। यहाँ तक कि जैसे ही नई सरकार का मोदी 3.0 का गठन हुआ, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही पहला कार्य करा कि किसान सम्मान निधि से किसानों को 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तहत ट्रांसफर करे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।